हम लोग आज 100 की संख्या में परिवारों तक इस अनाज को पहुंचाने का काम किए। रामडेरा, ग्वाली नवाडी, चौकाहतु, लोहातु, राहे प्रखंड के एरिया में और बुंडू प्रखंड के एरिया में, सोनातु प्रखंड के एरिया में, घर घर जिसके महामारी कोरोना वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन है। सभी वर्ग के परिवारों की मुसीबत तो बनी ही हुई है, लेकिन ज्यादातर मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले परिवारों की संकट छा गई है। इस चिलचिलाती धूप और महामारी कोरोना वायरस के बीच संत निरंकारी मंडल शाखा बुंडू ने कोरोना रिलीफ सेवा के तहत ग्रामीण इलाके के गांव में बसे लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम प्रारंभ कर दिया है। इस विपदा में जरूरतमंदों को सहयोग करना पुण्य कार्य है। ऐसे कार्य में आत्मा को सुकून और शांति भी मिलती है। हालांकि जो भी हो, लेकिन संत निरंकारी मंडल शाखा बुंडू ने ग्रामीण क्षेत्र में बसे असहाय गरीबों का ख्याल रखा है। कोरोना का खौफ और इधर चिलचिलाती धूप में भी गांव पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच संत निरंकारी मंडल बुंडू खाद्य सामग्री बांट रही है। इस सेवा कार्य में उमेश प्रसाद, शंभु महतो, राहुल, ज्योतिन्द्र नाथ, दिनेश सुरेंद्र लगे हुए हैं। एक ही दिन में 100 परिवारों को खाद्य सामग्री मिल पाई। आज हम लोग पूरे बुंडू वनमंडल के अंतर्गत ग्वाली नवाडी चौकाहतु सोनाहतु दुलमी बुंडू तुंजू अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग संत निरंकारी मंडल जो कि एक आध्यात्मिक संस्था है इसके अंतर्गत हम लोग राशन खाद्यान्न पदार्थों का वितरण किए जिसमें हम लोग के साथ और भी बहुत सारे सहयोगी संत थे और साथ में हम लोग वितरण किए जिसमें गरीब जो असहाय व्यक्ति हैं जिसके पास खाद्यान्न की कमी आज लॉकडाउन के तहत हो रही है वहाँ तक हम लोग पहुँचाने का प्रयास किए। हम लोग आज 100 की संख्या में परिवारों तक इस अनाज को पहुँचाने का काम किए। राहे प्रखंड के एरिया में और बुंडू प्रखंड के एरिया में, सोनातु प्रखंड के एरिया में बांटा गया, लगभग 100 आदमियों को दिया गया। आपका परिचय? राहुल कुमार महतो और मैं संत निरंकारी मंडल का सेवादल सदस्य हूँ। इतना ही नहीं, संत निरंकारी मंडल शाखा बुंडू ने ग्रामीणों के बीच में मास्क का वितरण भी किया। खाद्य सामग्री बांटने के साथ साथ मास्क देने वाले संत निरंकारी मंडल के सदस्यों ने लोगों को जागरूक भी किया। कोरोना महामारी को लेकर घर पर ही रहने की बातें भी बताई, लॉकडाउन का संपूर्ण नियम पालन करने का सलाह भी दिया। जहां शहर और नगर के जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री मिलती थी, आज संत निरंकारी मंडल बुंडू ने ये काम गांव-गांव में चुना है। गांव के गली मोहल्ले पहुंचकर घर तक संत निरंकारी मंडल ने खाद्य सामग्री पहुंचा रही है। संत निरंकारी मंडल की सकारात्मक पहल। घर घर जिसके दिक्कत था उसको घर घर जाकर को देहातों में, इस क्षेत्र में आप वितरण किए? रामडेरा, सोनाहतु, चौकाहतु, नवाडी और बुंडू और काची। जो गरीब परिवार हैं, असहाय हैं, जो डेली कमाते खाते हैं, उसे परिवार को दिया गया।